देखते रहिए यूबीएन जीरो एट भोपाल से आरिफ खान की बड़ी खबर आ रही है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा का बयान, सांसद प्रज्ञा के धरने पर बैठने पर बोले जनसंपर्क मंत्री, एक तो चोरी दूसरी सीना चोरी है, लोग नाथूराम गोंडसे की बात करते हैं, एक तरफ तो गोंडसे को महिमा मंडित साध्वी ने किया तो केंद्र ने इनको रक्षा समिति में शामिल किया, महात्मा गांधी के साथ सरदार पटेल ने गुजरात का नाम रोशन किया है, इनको दिल्ली में धरने पर बैठना है, महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ तो काम करें, यहाँ नौटंकी कर रही हैं, महिला सुरक्षा के लिए जितने काम मध्य प्रदेश में किए हैं उतने कहीं नहीं हो रहे। सागर में शिवराज सिंह के सीएम कमलनाथ को लेकर दिए बयान के बाद कांग्रेस करेगी गांधीगिरी। देखते रहिए यूबीएन जीरो एट, ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। और भी आपदाएं जो हैं उससे उसकी जानकारी उससे मिलेगी। और रही बात पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था कि हम इंदिरा गांधी से नहीं डरे तो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी कौन सी खेत की मूली हैं, तो आज कांग्रेस जन 11 बजे शिवाजी स्टैचू लिंक रोड नंबर 1 से फूल लेके जाएंगे और एक कार्ड लेके जाएंगे जिसमें लिखा हुआ है गेट वेल सून मामा, मतलब उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ये कार्ड वहाँ पर जाएंगे तो सैकड़ों की तादाद में लोग जाएंगे और कार्ड देंगे अपने घर पे और एक खुला का फूल देंगे, गांधीगिरी जिसको कहते हैं वो की जाएगी उनके स्टेटमेंट के खिलाफ। सर ये अचानक देखते रहिए यूबीएन जीरो एट भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, पूर्व सीएम शिवराज सिंह के खिलाफ मोर्चा, शिवराज सिंह के बयान के खिलाफ प्रदर्शन, सीएम कमलनाथ के खिलाफ दिया था बयान, सागर में प्रदर्शन के दौरान दिया था बयान, छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर एकत्रित हुए कांग्रेसी, पूर्व मुख्यमंत्री के निवास जाकर कांग्रेस नेता देंगे शिवराज सिंह चौहान को गेट वेल सून का कार्ड। देखते रहिए यूबीएन जीरो एट, ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। अरे को आते हो या डर रहे हो, तो और डर रहे हो, नहीं मारेंगे नहीं मारेंगे। जय जय कमलनाथ, जय जय मोबाइल पीछे हमेशा का नियम है किसी के बंगले पे नहीं होता, किसी के बंगले पे ज्ञापन नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के जो भी कोई बंगले पे नहीं बंगले के पहले रोका है हमेशा। अच्छे पदाधिकारी जाके जो है ज्ञापन दे दें, लेकिन हमारे एडिशनल एसपी साहू जी ने हम पे दबाव बना के हमें यहाँ पर रोक लिया। और ये हमें जो है प्रथा की जानकारी थी कि सब मतलब पिछले सालों से ये होता है कि बंगले के बाहर रोक लेते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो जो है SDM और जो है क्षेत्र का जो है TI जो है 5-6 लोगों को ले आके जो है शांतिपूर्ण तरीके से देता, हम यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से आके प्रदर्शन करने आए। अगर हम लड़ाई लड़ने के लिए आते तो हम ये रोडों को फड़ देंगे। और ये हम आपको ये बता रहे हैं, चेता रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने अगर अपने बयान वापस नहीं लिया तो हम उसकी लड़ाई आखिरी तक लड़ेंगे और यहाँ पर जो है आके उनके घर का घेराव करेंगे। और जहाँ जहाँ से जब जब निकलेंगे और जब जब हमें आस पास के रात होंगे कांग्रेस के लोगों को, तो वहाँ उनका पुतला जलाया जाएगा। आज ये प्रदर्शन जो है केवल सांकेतिकता गांधीवादी तरीके से था, इसलिए हम गांधीवादी तरीके से आगे चुपचाप बैठ गए। लेकिन प्रशासन का ये काम नहीं है कि प्रशासन जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं को दबा के कुचल दे और उनको यहाँ पर दादागिरी से रोक ले और ये कहे कि वहाँ पर SDM बैठा हुआ है तो वहाँ पर जाके बात करिए। बिल्कुल नहीं जाएंगे, यहाँ से गिरफ्तारी देंगे और अंतिम लड़ाई लड़ेंगे। 5 लोग जाएंगे वहाँ पर और जाके जो है वो भूल देंगे। अगर ये भूल नहीं देंगे तो ये हम ये समझेंगे कि कहीं ना कहीं प्रशासन जो हमारे साथ नहीं है। अभी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष
कैलाश मिश्रा जी और उनके साथ के सभी कार्यकर्ता करीब 500 के आसपास थे। सभी लोग यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए थे। नेक्सा शोरूम के सामने बैरिकेड पे इनको रोक लिया गया था। कुछ दो तीन कार्यकर्ता, चार पांच कार्यकर्ता आगे निकल गए थे, उनको थोड़ा सा और आगे जा करके रोक लिया गया था। इनके द्वारा SDM साहब को ज्ञापन दिया गया है और तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया गया और उसके बाद इस प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया। कुछ बैरिकेड तोड़ के भी कार्यकर्ता नहीं, बैरिकेड तोड़ करके नहीं, दो चार लोग बीच में से निकल गए थे तो उनको काफ़ी पहले रोक लिया गया था और वहाँ पर तहसीलदार साहब को बुला के ज्ञापन करा दिया गया। गिरफ्तारी नहीं, गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई, आंदोलन शांतिपूर्वक खत्म हो गया।